तो ये जो गेहूं है ये मैंने कल धुल दिए थे, कल सुबह धुले थे। तो कल धुले थे, 1-1.5 घंटे भिगो दिए, क्योंकि अभी नए गेहूं हैं। तो ये नए वाले जो गेहूं होते हैं इन थोड़ी गर्मी सी रहती है, जो कि नुकसान देते हैं। इसलिए पहले इन्हें पानी में थोड़ी देर भिगो दो ना, तो जो आटा है वो नुकसान नहीं देता है। हमारे यहाँ तो पहले मम्मी हमारी भिगो देती थी गेहूं को थोड़ी देर। तो नए नए गेहूं को भिगो दो, तो भिगोने से गेहूं का जो नए वाले गेहूं आते हैं वो फिर आटा नुकसान नहीं देता। इसलिए मैंने 1-1.5 घंटे 2 घंटे तो भिगो दिए थे। उसके बाद जब तक सारा काम मैंने नीचे का निपटाया, इतनी देर भिगो के फिर ऊपर मैंने सारे गेहूं धुल के डाल दिए थे। कल ही धो दिए थे तो ये सूख चुके हैं गेहूं, लेकिन फिर भी 1 दिन की धूप से प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं सूख पाते हैं। तो आज इनका सुखाना एक बार और बहुत ज़रूरी है। तो 1 दिन और मैं इन्हें आज डाल देती हूँ धूप में, और पतले पतले मतलब 2 खाटों पे, इसलिए ताकि थोड़े एकदम मोटे मोटे अगर डालेंगे सूखने तो ये इतनी अच्छे से सूख नहीं पाएंगे, क्योंकि आज वाली धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो इन्हें गेहूं को डाल देती हूँ मैं सुखाने के लिए। और अभी मैं मंदिर से ही आई हूँ, जस्ट सुबह का सारा काम तो हो गया था सुबह वाला जो, लेकिन मैं जाती हूँ ना, अभी गर्भ की छुट्टी चल रही है तो मैं चली जाती हूँ मंदिर। वरना वैसे तो जब बच्चा स्कूल जा रहा होता है तो इतना टाइम नहीं होता है, और अभी वो छुट्टी चल रही है तो मैं चली जाती हूँ उसे लेके। तो वो भी छुट्टी में जल चढ़ा देता है मंदिर जाके डेली। तो अभी मैं मंदिर से आई तो मैंने कहा सबसे पहले मैं गेहूं डाल देती हूँ धूप में, ताकि पूरे दिन की धूप इन्हें मिल जाएगी। और ये है दलिया, ये दलिया भी मैंने, क्योंकि बहुत सारा दलिया है, कोई खाता तो है नहीं घर में ज़्यादा दलिया, तो मैंने इसे भी धो के डाल दिया। इन्हीं गेहूँ में ये दलिया भी डाल दूंगी, तो ये गेहूँ के साथ ही ये दलिया भी पिस जाएगा, वरना फिर और क्या होगा इस दलिये का। तो गेहूँ के साथ इन्हें भी दलिया को भी पिसवा दूंगी। तो गेहूँ डाल दिए सूखने, जब तक नहीं लगेगी धूप। उसके बाद मैं नीचे जाके, बहुत सारे कपड़े हो गए थे आजकल सर्दियों में, कपड़े होते हैं क्योंकि ज़्यादा पहनते हैं, और गर्मियों में भी कपड़े ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों टाइम नहाया जाता है, तो दोनों टाइम ही कपड़े वो उतरते हैं, फिर दोनों टाइम के कपड़े होते हैं, मतलब 1 दिन में सबके दो दो जोड़ी कपड़े हो जाते हैं। तो गर्मियों में भी कपड़ों की कोई कमी नहीं है धोने के लिए, रोज़ का काम है 1 बाल्टी कपड़ा, चाहे सर्दी हो या गर्मी। कहने के लिए हम लोग सिर्फ 2 लोग 3 लोग हैं घर में, लेकिन कपड़ों का काम का कहते हैं कि ना, मतलब जब करने वालों के लिए पूरे दिन काम होता है और नहीं करने वालों के लिए कुछ काम नहीं है। लोग चाहे 2 हों या 10 हों, लेकिन काम सबके घर में बहुत होता है। कहते हैं कि सिर्फ 2 ही लोग हैं, क्या काम है? अरे जब करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि काम है। जब काम करोगे, साफ़ सफाई दुनियादारी करनी होती है, तब सबका काम बहुत ज़्यादा ही होता है। और नहीं सिर्फ बैठना ही बैठना है, आलसी करना है, तो 2 लोगों में कुछ काम नहीं है। तो इतने सारे कपड़े हो गए थे बहुत, मतलब सबका, क्योंकि पहले सुबह को नहाते हैं तो सुबह के सारे कपड़े होते हैं, फिर शाम को भी नहाया जाता है तो शाम के कपड़े हो जाते हैं, मतलब दोनों टाइम के कपड़े हो रहे हैं गर्मी में। क्योंकि अभी गर्मी इतनी पड़ रही है कि शाम को भी बिना नहाए नींद नहीं आती है, तो शाम को भी नहाना बहुत ज़रूरी है। तो हवा, तो आज मौसम थोड़ा अच्छा है, मौसम हवा चल रही है और बहुत तेज़ से धूप भी नहीं है। और लेकिन आज मैं चाह रही थी कि धूप तेज़ निकले, क्योंकि ये गेहूँ ना एकदम अच्छे से सूख जाए तो आटा भी ठीक से पिस पाएगा इसका, नहीं तो फिर गेहूँ अगर वैसे रह जाएंगे ना सीले सीले से, तो फिर इनका आटा भी नहीं पिस पाएगा। तो फिर मैंने फटाफट सारे कपड़े फैला देती हूँ, और अब देखते हैं नीचे अभी काम पड़ा हुआ है बकाया, क्योंकि सुबह को कितनी भी जल्दी करो सारा काम तो नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। क्योंकि और हमें मंदिर चली जाती हूँ मैं, फिर मैं सोचती हूँ कि मंदिर टाइम से चले जाओ, लौट के आके फिर काम कर लेते हैं धीरे धीरे, कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं है, घर पर काम तो पूरे दिन का ही है, करते रहो अपना तो अच्छा ही है।
और कपड़े उठाने के बाद डाल देने के बाद एक बार इन्हें ना गेहूं में हाथ डाल निकाल दो, मतलब बार बार चला दो ना, तो उससे ऊपर नीचे हो जाते हैं गेहूं, ताकि जो ऊपर के सूखे हुए हैं नीचे जिनमें धूप नहीं हवा लग पा रही है। तो ये काम भी दिन में 2-3 बार आके करना होता है कि बार बार हाँ गेहूँ में हाथ मार जाओ तो जिससे जल्दी सूख जाएंगे। तो ये दिन में मैं 2-3-4 बार, तो कम से कम 4-5 बार, मतलब जब तक सूखते नहीं है शाम तक मैं कई बार करना होता है। फिर आ गई अब नीचे मैं, तो नीचे झाड़ू पोछा तो सुबह ही हो गया था लेकिन फिर भी गंदा हो ही जाता है, तो एक बार फिर से झाड़ू लगा दूँ मैं यहाँ पर। तो झाड़ू लगा दें और अभी थोड़े से किचन में नाश्ता पानी खाना, मतलब खाना तो पूरा ही बना है तो खाने के बर्तन भी रह रहे हैं धुलने के लिए, तो पहले झाड़ू लगा दूँ और उसके बाद मैं धुलूँगी अपने सारे बर्तन। कपड़े धुल गए, गेहूँ पड़ गए और नहाना धोना खाना पीना सब हो गया, लेकिन अभी भी किचन में थोड़े से बर्तन रह रहे हैं उन्हें और धुलना है, तो पहले झाड़ू लगा देती हूँ मैं, उसके बाद ही बर्तन धुलूँगी। बात सब अच्छे होंगे और सब बहुत खुश होंगे और आज सारा फाइनल काम हो चुका, लेकिन अभी थोड़े से किचन में जो भी थोड़ा खाना वगैरह खाया ना हम लोगों ने, तो वो थोड़े बर्तन रह रहे हैं और थोड़ा सा फैला हुआ, आप देख सकते हैं ये फैला हुआ है किचन में, तो इसे और मैं समेट लूंगी। बर्तन थोड़े धुलने को हैं, बाकी कुछ नहीं, केवल किचन के बर्तन और धुलूंगी। और ये ब्लॉग जो है मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी हो, और वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद वीडियो शेयर कीजिएगा। ओके, बाय।